कैसे है, कहना मेरा ये है कि ये जो आजकल के जो कुकुर मुत्ते जिसे कहते हैं मराठी में कहते हैं पौसाई बीड़ू, ये कुकुर मुत्ता जो है जिसे कुत्ते की छतरी, हमारे अपनी शोलापुरी भाषा में कहते हैं कुत्ते की छतरी, वो बारिश में ही उगती है। इस तरह से नेताओं का जन्म हो रहा है। टिकट मांगने किसके पास जा रहा है? ऐसे आदमी के पास जा रहा है जिसकी बेटी खासदार रहते हुए उन्हें अपने दरवाजे के सामने खड़ा नहीं करती। ये मेरा कहना नहीं, सही बात है तुम्हारा, ये मेरा कहना नहीं, कांग्रेस के एक ज्येष्ठ पदाधिकारी शकील मौलवी साहब का कहना है कि ये मुस्लिम नेताओं को अपने करीब, अपने दरवाजे के करीब आने दे नहीं देते। बिल्कुल सही। और उनसे और उनके बाप से टिकट मांग रहे हैं। वो कौन मांग रहे हैं? कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी वाले भी वहीं पे जा रहे हैं। यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कर्ता धर्ता शिंदे साहब हैं क्या? और खासकर मुस्लिम समाज में इतने नेता हो गए हर गली बोल में, पता नहीं किस पार्टी से आते हैं। जमजम न्यूज इंडिया चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। सभी देशवासियों के लिए जय संविधान, जय भारत। फिलहाल सोलापुर शहर के मध्य विधानसभा क्षेत्र में कुछ उम्मीदवारों को लेकर, कांग्रेस पार्टी के हो या कोई भी पार्टी के हो, इन उम्मीदवारों में बड़ी घमासान चलती आ रही है। आज उसी के मुद्दे पर सोलापुर शहर के मशहूर हस्ती माने जाने वाले इब्राहिम साहब जमादार, जो महाराष्ट्र प्रदेश जन जागृति संगठन के अध्यक्ष हैं, आप उनसे हम राय मशवरा करेंगे कि फिलहाल अभी सोलापुर में जो 11, 12 जितने भी कांग्रेस के जो लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के, इन लीडरों ने मध्य विधानसभा शहर मतदार संघ से उम्मीदवारी की मांग कर रहे हैं, और जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार फारूक भाई शाब्जी डिक्लेयर हो चुके हैं, इसके मुताबिक आप क्या कहना चाहते हैं कि जो हालात नज़ारा जो दिख रहा है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, इसलिए इस बात को बताने के लिए मुझे चुना। रहा सवाल पिछले कई महीनों से शहर मध्य के कुछ मुस्लिम रहनुमा लीडरान मुस्लिम कौम को शहर मध्य से उम्मीदवार दें, यह मांग को लेकर लड़ रहे हैं, जिसमें कई सामाजिक संगठन भी शामिल हैं। अब इनका कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस यानी महागठबंधन से इन्हें उम्मीदवारी दी जाए। मेरा कहना है जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार निवड़ के आता है वहां पक्ष न देखा जाए, सिर्फ उम्मीदवार मुस्लिम हो और एक मुस्लिम उम्मीदवार दें तो दूसरा मुस्लिम उम्मीदवार न दें। अब जो ये उम्मीदवार मांग रहे हैं बार बार, वो आते हैं एक सेकुलर पार्टी से, और हमें बहुत अचंभा होता है, आश्चर्य होता है यह देखते हुए एक सेकुलर पार्टी के पदाधिकारी जिम्मेदार रहनुमा वो सिर्फ और सिर्फ एक कौम के लिए, एक जात के लिए, एक धर्म के लिए उम्मीदवारी मांग रहे हैं। अच्छा, विकास के नाम पे उम्मीदवारी नहीं मांग रहे हैं, वो मुस्लिम के नाम पे उम्मीदवारी मांग रहे हैं। अच्छा, विकास के नाम पे अगर मांगते तो हम उनके साथ रहते। सिर्फ मुस्लिम रहने से काम नहीं होगा, उम्मीदवार ऐसा हो जो शहर का विकास कर सके। बिल्कुल सही बात है। अब रहा सवाल, ये मुझे एक ये महागठबंधन की एक चाल है। मैं कई बार कह चुका हूं, आज भी आपसे कहता हूं, भाजपा शिवसेना यह हमारा खुला दुश्मन है मुसलमानों का। अच्छा, आज आपको ये बताऊंगा कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और यह महागठबंधन हमारा छुपा दुश्मन है। अच्छा। हमें खुला दुश्मन पसंद है, क्यों तो वो सीने पे वार करता है, छुपा दुश्मन हमारे पीठ के पीछे वार करता है, हमें पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन नहीं चाहिए। आज भी जो सोलापुर शहर मध्य के लिए जो बातें चल रही हैं, उनका महागठबंधन का जो मंशा है, जो उनका इरादा है, मुस्लिम नेतृत्व आगे न आए। मैं आपको भविष्य बताना चाहता हूँ, MIM से फारूक शाब्दी खड़े रह रहे हैं। बिल्कुल,
और अभी अभी कल तक ये न्यूज फैल रही थी कि मध्य से बाबा मिस्त्री खड़े रहेंगे। अगर मध्य से बाबा मिस्त्री खड़े रहेंगे, ये जो 11-12 लोग मुस्लिम को उम्मीदवारी दो मुस्लिम को उम्मीदवारी दो, उसमें से 2 या 3 लोग बंडखोरी करेंगे, यानी मुस्लिम के कितने होंगे, 4 से 5 उम्मीदवार होंगे, और इसमें कोई भी मुस्लिम का उम्मीदवार जीत कर नहीं आएगा, और वही जातिवाद का बात चलेगी, मुस्लिम का उम्मीदवार नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है, इसके लिए जो भी एक उम्मीदवार दो, लड़ो, जीत कर आएंगे। फिलहाल तो अभी सोलापुर शहर में इतनी बड़ी अफवाह फैलती जा रही है कि अब मुसलमान इसमें मोहरा बनते जा रहा है, इसमें मुसलमान को मोहरा बनाना, यही तो सब सियासी पार्टियों का काम है। अच्छा। हमें मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना। अच्छा। ये काम आज तक सियासी पार्टी कर रही है, करती आ रही है। हमारे यहाँ के सोलापुर शहर के केंद्रीय नेतृत्व, जिसे हम, आपको पता होगा, सबसे पहले हमने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, सम्माननीय सुशील कुमार शिंदे, ये प्रधानमंत्री बने, ये राष्ट्रपति बने, मगर उनकी कुछ चालों की वजह से शहर के मुसलमान इतने बदनाम हुए, इतना उनकी हालत खराब हुई कि मजबूरन हमें 2014 में उनके खिलाफ लड़ना पड़ा, उनके खिलाफ मुहिम निकालनी पड़ी, जिसकी वजह से आज वो घर पे बैठे हुए, आज भी वो मुस्लिम को कमजोर समझते हैं। हम शिंदे साहब को घर में बिठा सकते हैं, तो फिर ये आने वाले कल क्या होगा बता नहीं सकते। आज मैं आपको एक बात बता दूं, आज मुस्लिम उम्मीदवार, मैं पहले भी बताया कि कांग्रेस हमारा खुला छुपा दुश्मन है और भाजपा हमारा ओपन दुश्मन है, खुला दुश्मन है या छुपा दुश्मन है। तो मैंने कहा आपसे, ये खुले दुश्मन को पर्याय बोल के हमने लोकसभा में क्या किया, भर भर के प्रणीति शिंदे को वोट दिए और वो जीत कर आए। जीत कर आने के बाद किसी एक भी मुस्लिम संगठन को या मुसलमानों का उन्हें शुक्रिया अदा किया, उन्होंने शुक्रिया अदा नहीं किया। प्रणीति शिंदे हमारे वोटों पे जीत कर आई, वो कभी हमसे मुलाकात नहीं की, और इसकी तकलीफ हम आम मुसलमानों से ज्यादा जो मुस्लिम लीडर है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि फिलहाल मुस्लिम की सीट चाहिए यहाँ से, मुस्लिम मध्य विधान सीट, मुस्लिम। फारूक शाब्दी को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने टिकट डिक्लेयर किया, अब ये मुस्लिम है, अब ये भाई लोग भाई बोल रहे आपको, बाबा मिस्त्री को भाई बोल रहे सब लोग, फिर फारूक शाब्दी को भाई क्यों नहीं बता रहे। ये यही तो कांग्रेस की और महागठबंधन की चाल है। तो अगर ये लोग टिकट मांगने की जगह खामोश रहते, एक बार मांगे हमने, स्टार्ट में हमने मांगा जी कि हमें मुस्लिम को टिकट चाहिए। अच्छा। या ठीक है, नहीं जो पार्टी भी दे मुस्लिम को, उसके पीछे हमें ठहरना चाहिए था। बिल्कुल, ये नहीं करते। मुस्लिम को उम्मीदवारी चाहिए बोल के, है ना, मुस्लिम के जो आम मतदार हैं, आम वोटर्स हैं, उनको बहकाने का, उनको भटकाने का काम ये 11-12 लोग कर रहे हैं। मेरा खुला इल्जाम उन पर है। अच्छा। ये लोग न तो फारूक शाब्दी को आने देंगे, न खुद आएंगे। अच्छा। न तो ये खुद आएंगे, न तो फारूक शाब्दी को आने देंगे। लेकिन अल्पसंख्यक की ये बर्बादी है, बर्बादी है, पूरी तरह बर्बादी। कोई सांसद या कोई एमएलए निवड़ को नहीं, अगर ये लोग बंडखोरी करेंगे तो हमारा कोई सांसद नहीं बनेगा, हमारा कोई आमदार नहीं बनेगा। अब भी मैं कहता हूँ कि संभल जाओ, संभल जाओ, आज भी वक्त है, संभल जाओ, वक्त करीब आ चुका है, घोड़ा मैदान नजदीक है, आपको अपनी ताकत दिखाना है तो खामोशी इख्तियार करो। अगर कोई पार्टी मुस्लिम का उम्मीदवार देती है तो उसके पीछे पूरी तरह खड़े रहो। कौन खड़े रहना? सब जमात के लोग, सब पार्टी के लोग। अब अगर अभी ये मौका है आपके लिए, यह मौका है। अब मुझे एक बात बताइए, आज आपने मांग कर थक गए, मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया, खामोश रहो, खामोशी इख्तियार करो पूरी तरह। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, टिकट भरना पूरा होगा और जब तुम्हारा प्रचार चालू होगा,
तो आप महागठबंधन के प्रचार में मत जाइए। इतना बवाल नहीं होता था जब जबकि आज जो बवाल हो रहा है, इससे पहले कभी इतना बवाल नहीं हुआ कि मुस्लिम को चाहिए। मुस्लिम को क्यों? मुस्लिम की ठेकेदारी है क्या यहाँ पे? अच्छा, मांगने वाले कौन है, उनका काम क्या है? काम तो दिखाइए आप कौम के लिए क्या करते हैं? काम नहीं है उनका कुछ भी। मेरे हिसाब से जीरो काम है। सिर्फ महानगर पाली के हद तक उनका काम ठीक है। ये तो सब नगर सेवक करते हैं। वो तो नगर सेवक करते हैं। जब है ना, एक सांसद एक आमदार बोल के हाउस में जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? पहले उसे समझिए, पहले उसकी तैयारी कीजिए। तुम टिकट मांगने मत जाओ, वो टिकट मांगने आए, ऐसे हालात पैदा करो। इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर तुम ऐसे हालात पैदा करो कि वो खुद आकर कहे कि भाई आप टिकट लो, खड़े रहो, आप जिताने की जिम्मेदारी हमारी है। ये पार्टियां कहे न के हम मांगे कि भाई हमको टिकट दो। बार बार हम भीख मांग रहे हैं। ये भीख मांगना गलत है। अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, क्यों तो करने कराने वाला वो है। ये छोड़कर हम मांग रहे हैं, किनसे मांग रहे हैं? पुराड़ियों से मांग रहे हैं, अपने नेताओं से मांग रहे हैं। इससे इख्तलाफ पैदा होने वाला है। इख्तलाफ तो पैदा हो चुका है, होने वाला नहीं, हो चुका है। पूरी पूरी तरह कौम, मुस्लिम कौम एक दो नहीं 14 गुटों में बट चुकी है। 12 इसके लिए अभी पर्याय क्या करना है? इसके लिए सब एक जगह, जैसे आज जितने भी कांग्रेस के नेता लोग जो इच्छुक उम्मीदवार जो मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है, सब लोग एक होना चाहते हैं। सब एक हो रहे हैं, बात अच्छी है। एक होकर ये फैसला लें वो। अब कल की जो मीटिंग हुई उनकी, कल का जो मुआवजा हुआ उसमें मैं खुद था, और बड़ी खुशी की बात है कि 12-13 जो दिग्गज थे, जो हमेशा इससे पहले आपस में लड़ते झगड़ते थे, वो एक स्टेज पे आके बैठे थे। मुझे अच्छा लगा कि सब मिल गए। अगर ये कम एकता कायम रही और अपनी ताकत दिखाना है तो पार्टी को मारो गोली, अगर कौम की हमदर्द हो तो कौम के पीछे आओ, कौम जिसे कहता है उसे निवड़ के लाके दो, यही मेरा कहना है। ओके ओके। अभी आप ये 12 लोग, इन 12 जो मांगनी कर रहे हैं, महागठबंधन जी, राष्ट्रवादी का हो या कांग्रेस का हो, टिकट मांगने किसके पास जा रहा है? ऐसे आदमी के पास जा रहा है जिसकी बेटी खासदार रहते हुए उन्हें अपने दरवाजे के सामने खड़ा नहीं कर। ये मेरा कहना नहीं, सही बात है तुम्हारा, ये मेरा कहना नहीं, कांग्रेस के एक ज्येष्ठ पदाधिकारी शकील मौलवी साहब का कहना है कि ये मुस्लिम नेताओं को अपने करीब, अपने दरवाजे के करीब आने दे नहीं देते। बिल्कुल सही। और उनसे और उनके बाप से टिकट मांग रहे हैं। वो कौन मांग रहे हैं? कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी वाले भी वहीं पे जा रहे हैं। यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कर्ता धर्ता शिंदे साहब हैं क्या? मेरा सवाल है। सिर्फ शिंदे को क्यों? तुम सिर्फ शिंदे को बढ़ाना चाहते हैं, शिंदे की कठपुतली बनकर शहर में काम कर रहे हैं जिससे कौम का नुकसान हो रहा है। अब मुझे बताइए, ये 12-13 जो उम्मीदवार कुकर मुत्ते की तरह सामने आ रहे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा एक आदमी है जो शहर के 5-50 लोगों को काम दिलवाने के लिए एकाध उद्योग शुरू किया? ये क्या 12 उम्मीदवारों में से बात? हाँ, कोई भी एक उम्मीदवार ये बता दे कि हमने यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री बन लगाई है जिसमें 50 वर्कर 50 गरीब काम करके अपने अपनी फैमिली का संसार चलाते हैं, अपने फैमिली की रोजी रोटी देखते हैं। ऐसा कोई भी एक उम्मीदवार नहीं दिखेगा। समाज के लिए काम नहीं? समाज के लिए बिल्कुल नहीं, समाज को इस्तेमाल करना जानता है। आज समाज में बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ते जा रही है, उसकी वजह ऐसे नेताओं से ही है, चापलूस नेता, जो हमारी जो फितरत बन चुकी है, वो हमारे जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कहेंगे उनकी बात मानने वाले, उनकी जूती सीधी करने वाले, ये काम समाज के बारे में सोच नहीं सकते। अगर समाज के बारे में करना है तो पार्टी को बाजू में रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ मुस्लिम समाज की नहीं बोल रहा हूँ, शोलापुर में रहने वाले हर समाज के आदमी को आज काम की जरूरत है।
सिर्फ मुसलमानों को नौकरी है, नौकरी नहीं है ऐसा नहीं है। कई मेरे हिंदू भाई, हिंदू नौजवान शहर छोड़कर पुणे बंबई जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या? हम तो है ना यहाँ पर, हमारे नौजवान शहर छोड़ के नहीं जाते, यहीं पे हम अपनी दुकान में पंचर काटते हैं या किसी साइकिल में हवा भरने का काम करते हैं या टेलरिंग करते हैं या स्टेशन पे चाय पानी बेचते हैं, या हम यहीं पे हमारी, क्यों तो ये हमारी पैदाइशी जगह है, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे लड़ेंगे, यहीं पे मरेंगे, या हमारे हमारे कौम का मसला है? कुछ भी काम के नहीं। कौन सा लीडर ऐसा है जो मुस्लिम के लिए काम किया हो? कौन है? एक नाम बताइए कि बाबा मुसलमानों के लिए किया करने वाले। कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता लोग हैं ना मुस्लिम के? कोई भी मुस्लिम के नेता बहुत सारे हैं। अपने आप को कौम का हमदर्द बताते हैं लोग? अपने आप को हमदर्द, मैं पहले से बार बार बता रहा हूँ, कौम का हमदर्द बन के सामने आना और अपना उल्लू सीधा करना, ये इनका मकसद है। मेरी बात को समझिए, मैं आज कौम कौम बोल के आगे आ रहा हूँ, जैसे ही मेरा उल्लू सीधा हो गया, मेरा काम निकल गया, मेरा मेरी जेब भर गई, मैं गायब। यह हमारे नेताओं के काम है, इसके लिए मैं उनसे विरोध कर रहा हूँ। फिलहाल हालात, नजारा इतने बिगड़ते जा रहे हैं पूरे देश के, जैसे कि कोई पैगंबर के विरोध में अपना गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई, और ये कांग्रेस के लोग आवाज नहीं उठाएगा? कांग्रेस, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारा छुपा दुश्मन है। कैसे? तो बताता हूँ मैं। सबसे पहले हम दूर की नहीं, वो रामगिरी महाराज, नीतीश राणे दूर, महाराष्ट्र लेवल पे हो गए। आज हम, मैं शोलापुर की ही बात करूंगा, 2014 से पहले, इलेक्शन से पहले शोलापुर में एक बहुत बड़ी बात हुई। आपको पता है हमारे तत्कालीन सीपी पुलिस कमिश्नर देश भरतार ने क्या किया? हेडक्वार्टर की मस्जिद को लॉक किया। उस वक्त देश के गृह मंत्री कौन थे? सुशील कुमार शिंदे थे, वो कांग्रेस के हमारे नेता। और यहाँ के मुसलमान क्या चाह रहे थे? कि सुशील कुमार शिंदे प्रधानमंत्री बने, सुशील कुमार शिंदे राष्ट्रपति बने। तो क्या एक मामूली उन्होंने कभी फोन करके कहा कि उस हेडक्वार्टर मस्जिद का दरवाजा खोलें? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, ये गलत। तो दूसरी बात, महाराष्ट्र में सत्ता किसकी थी? किनकी? और गृह मंत्री कौन था? आराराबा पाटिल, जो राष्ट्रवादी के थे, उन्होंने खुद आदेश दिया था ये बंद कराने के लिए। तो बताइए, ये हमारे खुले दुश्मन है या छुपे दुश्मन है? इन्होंने हेडक्वार्टर मस्जिद के लिए हमारे पीठ के पीछे खंजर खोपा है क्या? नहीं, क्या हम उस बात को भूल जाएं? क्या हम भूल जाएं कि हेडक्वार्टर मस्जिद के साथ हमारे साथ क्या धोखा हुआ? या हम भूल नहीं सकते? तुम हमें नौकरी नहीं देते? नहीं, जहां पे हमारी आस्था है वहां पे हमला करते हो, और हम खामोश तमाशा ही देखते रहे। और यह सब इसलिए हो रहा है, जो आज 12-13 जो कुकरमत्ते आए हैं, वैसे लोग हम कौम के रहनुमाओं बोल के सीना ठोक कर सामने आ रहे हैं। कौम के बारे में इनको कुछ भी लेना देना नहीं, कभी आवाज नहीं उठाएंगे। मैं ऐसे लोगों का जाहिर तौर पर निषेध करता हूँ। तुम्हें कौम की हमदर्दी नहीं, कौम के लिए सामने मत आओ, जो काम करना चाहता है करें। तुमसे अच्छा गैर मुस्लिम है जो भाजपा का अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार देगा तो मैं कहूंगा भाजपा के उम्मीदवार के साथ जाओ, फारूक शाब्दी भी नहीं। अब कहते हैं कि फारूक, अब एक मेन मुद्दा यह है, यह खुद को सेक्युलर पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं, कांग्रेस राष्ट्रवादी सेक्युलर पार्टी है, मैं मानता हूं सेक्युलर पार्टी है। अब इनका कहना है, जो कल की जो मेला हुआ उसमें उनका कहना है कि फारूक शाब्दी एक ऐसे पार्टी का सभासद है जो यमायम है, जातिवादी है। आप सेक्युलर पार्टी के सभासद हो, पदाधिकारी हो, फिर मुस्लिम का एक कौम का नाम लेके क्यों नाच रहे हो? यह सेक्युलरिज्म है क्या तुम्हारा? तुम्हारे पार्टी के फंडामेंटल में, तुम्हारे पार्टी के जो घटना है उसमें यही सेक्युलर है करके अपनी एक जात को लेकर आ गया हो? सेक्युलर किसे कहते हैं? हिंदू भी मेरा, मुस्लिम भी मेरा, सिख भी मेरा, क्रिश्चियन भी मेरा, सब मेरे अपने बोल के जब आगे जाएंगे तो हम सेक्युलर कहलाएंगे।
फिर ये कल का मेला हुआ या आने वाले मेला हुए, ये जो तुम्हारे 2-3 महीनों से जो नखरे चल रहे हैं, ये सेक्युलरिज्म को शर्मसार करने वाली हरकतें हैं और तुम्हारी पार्टी को बदनाम करने वाली हरकतें हैं। पार्टी को बदनाम करने में ये बहुत बड़ी चाल कांग्रेस राष्ट्रवादी की है, वो चाहती है कि मुस्लिम नेतृत्व आगे न आए, इसलिए ये 12-13 तत्वों को दे दिलाकर ये सब नाटक करवा रहे हैं। मैं कांग्रेस राष्ट्रवादी महागठबंधन पे खुला आरोप करता हूँ। आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये गठबंधन हो ये खामोश नहीं रहे तो इसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ सोलापुर शहर के नौजवानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है, अब आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहते हैं मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर? मैं मध्य सोलापुर जिले के उम्मीदवारों से कहूँगा, मतदारों से कहूँगा, सोलापुर जिले के मतदारों से, बहुत हो गया रोना धोना, हमने बहुत रोया, बहुत धोया, बहुत पीछा किया कि हमें काम दो, हमें ये करो, हमारे लिए वो करो। ये नेता लोग काम करने वाले नहीं, इसलिए जब तक पार्टी को मारो गोली, पार्टियों को, सियासी पार्टियों को रखो ताक पर, जो उम्मीदवार तुम्हारे नौजवान बच्चों को शहर में, जिले में, जिस जगह तुम रहते हो वहां रोजी देने का वादा करे, उसके पीछे आप खड़े रहो, उसे मतदान करो, यही मेरा कहना है। और सोलापुर की जनता समझदार है, अपना बुरा अच्छा बुरा समझ सकती है, वो बराबर सही वक्त पर सही फैसला लेगी, यही मैं कहना चाहूंगा। शुक्रिया।